माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। अच्छे तो लगते हैं, खैर कहाँ कहाँ से लोग कमेंट कर रहे होते हैं। मैंने देखा इंडिया से भी लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, जितने भी लोग देखते हैं ना, जितने भी 100-200 व्यूज़ आते हैं मेरे पास ना, तो वो सब लोग कमेंट्स करा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो जो लोग देखते हैं सब कमेंट कर दिया करें। और तो कल आपने देखा मेरे पिज्ज़े की रेसिपी तो मैंने नहीं दी थी, क्योंकि वो पहले ही मैं दे चुकी थी। तो पिज़्ज़ा बनाया था हम लोगों ने और सबने बहुत शौक से खाया। चिकन ब्रेड भी बहुत मज़े का बना था, फुल लोडेड था। तो अभी थोड़ी सी डो मेरे पास बच गई थी, तो मैंने उस डो का अपने लिए पिज़्ज़ा बनाने रख दिया है। और थोड़ी सी डो बची हुई थी तो मैंने फदीम को सुबह बना के दिया था। और क्योंकि मैं ज़्यादा रख लेती हूँ, चीज़ें ज़्यादा बना लेती हूँ कि दूसरे दिन फदीम को स्कूल में दे सकूँ, क्योंकि उसका टाइम इतना लंबा होता है कि वो आराम से अपना खाना खा ले। तो अभी मेरा बस पिज़्ज़ा रेडी होने ही वाला है, तो मैं लेकर आऊँगी और उसे खाएंगे हम। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने लोग देखते हैं ना, सब लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दिया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि जो भी लोग देख रहे हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में और भी जगहों पर उसको दे दिया करें। ठीक है, तो बस मैं जा रही हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी और उसके बाद फिर आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारे साथ रहें। तो यहाँ मैं अपने लिए तो बना कर ले आई हूँ, ये देखें कितने मज़े का पिज़्ज़ा बनाया। और स्पाइसी भी होता है ये वाला ना, और इसमें सॉस इतना मज़े का होता है, चीज़ भी फुल होती है, और मतलब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आरिश तो कब से इंतज़ार करेंगे, मम्मा जल्दी से बनाए और मुझे भी खिलाएँ। तो मुझे बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से मैं जाके ना इसको खा लूँ। आप लोग भी देखो, देखें कितने मज़े का है, और हार्ड नहीं है, कड़क नहीं है, और कुछ भी मसला नहीं है। देखें आराम से, और नीचे बेक भी अच्छी तरीके से हुआ है। दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छा बेक हुआ है। ये इसकी चीज़ देखें, इतनी ज़बरदस्त इसमें चीज़ डली हुई है, और बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा हो रहा है ये ना। तो गरम गरम हो रहा है, तो मैं तो भाई जल्दी से खाऊं, और आरिश से भी इंतज़ार नहीं हो रहा, वो बोले मम्मा जल्दी जल्दी खिलाएं। तो मैं खाती हूँ और फिर आती हूँ। ठीक है, आ जाओ, वहाँ खड़ी हो। अब बताओ क्या कह रही हो कि मिस कैसे पनिशमेंट देती हैं। हाँ, ये कौन सी पनिशमेंट है? कुर्सी बनते हैं। और बच्चा कैसे बैठता है? जोहा तुम कुर्सी बनो और फदीन बैठ के दिखाएगी, जाओ। ये कौन सी पनिशमेंट है? मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है ऐसी पनिशमेंट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। दिखा दिखा इसमें कौन है, इसमें कौन है।
इसमें घर है। इसमें आरिश है। ऐसे तो नहीं होता है। आप लोगों को अगला व्लॉग पसंद आया होगा।